अरे बहन चुप। वाह कैसा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ कुछ मूर्तियां बन गई है शायद, जो फिलहाल तो ढकी हुई है। ये हो गया हमारा शुरू वसुधारा ट्रैक। ये ट्रैक कुछ इस तरीके का है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था चलना तो मेरी सांसें फूल गई थी, अभी नॉर्मल हो गई। ये देखो अभी फिलहाल ये ट्रैक बिल्कुल प्लेन है। बड़े बड़े चूहे भागते हुए दिखे अभी मुझे रोड पे। और ऐसी कुछ लोकेशन है, इधर पहाड़ इधर पहाड़, बीच में खाई, ये रास्ता ट्रैक का। तो किसी ने कहा था कि ऐसी कुछ मॉडरेट सा अप डाउन है ट्रैक में, तो देखो कैसा रहता है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि एकदम से जैसे चढ़ाई पे जा रहा हूँ तो जाते साला थक लगने लग जा रही है, सांसें बहुत ऊपर पर चढ़ रही हैं। मेरे साथ वाले आगे निकल गए क्योंकि मैं अभी रुक गया था जैकेट उतारने के लिए, गर्मी हो गई थी एकदम से। ज़्यादा कपड़े पहन आया था, सोचा नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन गर्म हो गया। यहाँ पे कुछ तो चल, यहाँ के लोकल लोग से कुछ पूजा कर रहे हैं, आई डोंट नो, सामने जाके पता चलेगा तो बताता हूँ। अभी तक थोड़ा पक्का रास्ता था, अभी थोड़ा उबड़ खबड़ सा हो गया है। ये भी पक्का ही लेकिन थोड़ा पैर मुड़ने वाला। हाँ किसकी ये जो पानी की आवाज आ रही है, तुझे क्या लग रहा है वसुधारा की? नहीं ये मेरे को लग रहा है अभी नदी उगी होगी यार, जिस सरस्वती बह रही थी इतनी तेज। क्या लोकेशन है, क्या व्यू है, नीला आसमान, चारों तरफ पहाड़ियाँ, बीच में ट्रैक, अहम शांति। अब रास्ते में मिल गई एक वाटर क्रॉसिंग। ओ माय गॉड, ठंडा इतना है कि ये पानी पूरा भरप जम रहा है, ये पानी ही जम जा रहा है यहाँ तो। ये देखिए, ये देखिए, इधर से आ रहा है पानी कहीं से। तो ये छोटे मोटे झरने में आए हम, ये संदीप और उधर माना, ये माना माना समझ के अपने आगे आगे भाग रहे हैं और हम लगे हैं पीछे आराम आराम से अपनी एनर्जी सेव करते हुए जितनी हो पा रही है। वैसे तो घंटा नहीं हो रही है, सॉरी मेरे वर्ड्स के लिए, वैसे तो बिल्कुल भी सेव नहीं हो रही है, लेकिन कोशिश जारी है। और यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग को हमने क्रॉस कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग, इतनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग। सामने बर्फ से ढका हुआ पहाड़, ये सामने की पहाड़ी क्या बर्फ से ढकी हुई है। बर्फ तो इधर भी गिरी है लेकिन ये वाली, वाह क्या भयंकर भरा पड़ा है। तो अभी मैंने मंजीत को पीछे छोड़ दिया था क्योंकि उसे डिस्टर्बेंस हो रहा था वीडियो बनाने में, अकेले अकेले काफ़ी आगे आ गया हूँ, लेकिन अब मैं रुक गया हूँ। सोचा वो थक रहा होगा तो पार्ले जी लेके खड़ा हूँ, थोड़ा सा खाते हैं, एनर्जी बूस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आगे। वो सामने दिख रहा है वसुधारा, बहुत तारीफें सुन के आया था मैं इसकी। जैसे यहाँ से करीब पहुँच के देखा तो इतना चुल्लू भर पानी जैसा लग रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल। अब अगर नज़दीक जाके अच्छा लगे तो बात लगे, यहाँ से तो नॉर्मल सा लग रहा है बिल्कुल। इतनी मेहनत करने के बाद अगर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो फिर, लेकिन उम्मीद है कि मज़ेदार होगा।
फिलहाल तो देखो कैसा दिख रहा है, नीचे गिर रहा है, हवा से उड़ रहा है। कहते कि वो नीचे ढंग से पहुंचता नहीं है, हवा से उड़ जाता है। बाकी वहीं जाके देखते हैं कैसा है। तो फाइनली बहुत करीब पहुंच गए हम वसुधारा फॉल के। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह गया, मुश्किल से 200 मीटर। लेकिन सच कहूँ तो ये फॉल तो इसे कहते हैं, लेकिन फॉल ये हो नहीं रहा है, यह हवा में ही वापस उड़ के चला जा रहा है कहीं। लेकिन देखने में काफी खूबसूरत है, देखिए आप। अभी बस 200 मीटर में मैं इसके नीचे पहुंच जाऊंगा, तब आपको वहां से भी दिखाऊंगा। मुझे लगता नहीं है कि सामने से इतना अच्छा दिखेगा जैसे अभी दिख रहा है, लेकिन चलो जिस चीज के लाए थे वो तो हमें मिल गया। ये वही रास्ता है, ये वही ट्रैक है जिससे बोला जाता है कि पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे। तो यह है स्वर्ग का रास्ता, लेकिन वसुधारा से आगे इसमें जाने नहीं देते क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा रिस्की है। बाकी जय भोले, मज़ा आ रहा है। ये देखिए मेरे पीछे वसुधारा वाटरफॉल, यहाँ पहुँचने में हमें लगे हैं मात्र 2 घंटे। इतना ही कुछ लगता होगा ट्रैक में, क्या पता हमने ज़्यादा ले लिया हो, क्योंकि 5 किलोमीटर का ट्रैक है तो इतना तो लगभग लगेगा ही। बस अब कुछ ही क्षणों में मैं उसके सीधे नीचे पहुंचूंगा और देखूंगा कि वो पानी मेरे सर में गिरता है या नहीं, क्योंकि कहा जाता है उसके नीचे जिसके सर पे पानी गिरा वो पापी नहीं है, अगर नहीं गिरा तो आप पापी हो। तो वैसे तो मैं पाप पुण्य दोनों ही करता हूँ शायद, नहीं पता, लेकिन जाके देखते ना डायरेक्ट। ये रहा वसुधारा, मैंने सुना कि वसुधारा फॉल से इससे ज़्यादा पानी गिरता है। आजकल ठंड की वजह से पानी जम गया है शायद, इसलिए थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि देख दिखाई दे रहा है उसके आसपास बर्फ जमी हुई है और काफ़ी बारीक सी धार है। वो तो फाइनली हम पहुंच गए हैं वसुधारा फॉल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से बह रहा है और बगल में जो बर्फ जमी हुई है किस तरीके से वो नीचे गिर रही है। कुछ लोग नीचे गए हैं उसके पानी अपने ऊपर गिरवाने के लिए, मैं भी जाऊंगा देखता हूँ गिरता है नहीं गिरता है। लेकिन फाइनली सुकून का पल है ये। मंजेश हाउ द जोस, काफी लो लग रहा है इसका। लॉन्डो कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ वसुधारा फॉल के नीचे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उधर जाने की कि मेरे सर पे वो बूंदे गिरेगी नहीं गिरेगी। फिलहाल यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, वहाँ से उतरना भी बहुत मुश्किल था, पूरा स्लिपरी था, लेकिन आना तो था ही। ठंड इतनी कि पानी पूरा जम चुका है। कायदे से बिल्कुल मेरे ऊपर गिनना चाहिए था जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं एग्जैक्टली उसके नीचे हूँ, लेकिन ये उड़ के जा रहा है कहीं और ही। अरे बहन चुप, चल यार यहाँ से। मंजीत मंजीत चल चल, अभी बहुत बड़ा एक बर्फ का सिल्ला ऊपर से गिरा है जिससे भाई मेरे को तो बहुत रिस्की लग रहा है। हम यहाँ बैठे थे ताकि हमारे ऊपर झरने की बूंदे आए, और बूंदे आ गई है मेरे ऊपर अच्छी खासी। झरना मेरे ठीक ऊपर है, लेकिन हवा का बहाव इतना तेज है कि वो इस तरह उड़ के जा रहा है, लेकिन फाइनली मुझे मिल चुका है। तो मेरे को लगता है अब यहाँ से जाना चाहिए। मंजीत दूसरी तरफ चलिए, थोड़ी देर इधर बैठ, अगर झरना नहीं पड़े तेरे ऊपर तो। भाई ऊपर से बहुत बड़े बड़े बर्फ के गोले पड़ रहे हैं, तो रिस्क नहीं लेता, थोड़ा सा यहाँ से हट जाता हूँ। बाकी मिलता हूँ आपसे अभी।
तो फुल ऑन सुस्त आने के बाद, धूप के मज़े लेने के बाद, पूरे व्यू के आनंद लेने के बाद, अब मैं निकल चला हूँ वापसी के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं अंत करता हूँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं कैसी लगी है जगह। टिल देन बाय, मिलता हूँ कभी और कहीं और किसी नए ब्लॉग के साथ।